कानपुर देहात के थाना अकबरपुर से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर एक आरोपी फरार हो गया था, जिसके बाद थाने में हड़कंप मच गया। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई थी। वहीं देर रात पुलिस ने चकमा देकर फरार आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस ने पूरे मामले में दो सिपाही को दोषी पाते हुए निलंबित भी कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी और दोनों सिपाहियों के खिलाफ अकबरपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। कानपुर देहात के थाना अकबरपुर के अंतर्गत पुलिस ने अकबरपुर कस्बे से शिवा उर्फ दिशांत को तमंचे और कारतूस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेजने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान शिवा उर्फ दिशांत थाने के शौचालय से पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया था। काफ़ी तलाशने के बाद वह पुलिस के हाथ नहीं लगा था, जिसके बाद पुलिस और SOG आरोपी की तलाश में दिन भर दबिश देती रहे। देर रात अकबरपुर थाना पुलिस ने उसे दबोच कर पकड़ लिया। आपको बता दें कि पुलिस को चकमा देकर थाने से आरोपी के भागने की जानकारी होते पुलिस अधीक्षक सुनीति के पूरे मामले की जांच पड़ताल की। मामले में दो सिपाहियों की लापरवाही सामने आई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल लापरवाही का दोषी मानते हुए सिपाही उम्मेद कुमार और महिला सिपाही सुमन को निलंबित कर दिया है। वहीं सिपाहियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं, जिसके बाद आरोपी शिवा के खिलाफ हिरासत से भागने और दोनों सिपाहियों के खिलाफ ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतने का मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।